नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंद्रशेखर यादव के उन बयान के ऊपर, जिससे साफ परिलक्षित होता है, और मैं बार बार इसको कहता हूं और व्यवहार में भी दिखता है, कि बिहार में और ऐसे अनेक जगह भारत के काफिर हिंदू राजनेताओं में यह व्यावहारिक अनुभव है और सैद्धांतिक एक रूपता है, एक समझ है आपस में, कि सत्ता के लिए ताजिया पूजन तो अमृत है लेकिन रामायण विष है। यह एक सुर और असुर के बीच जो संग्राम भारतीय ज्ञान वांग्मय में, भारतीय शास्त्रों में जिसका वर्णन है, वो साफ साफ यहाँ दिखता है। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो, तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, आरजेडी इंडिया अलायंस, डॉटेड इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, और डॉटेड इंडिया अलायंस ने यह निर्णय किया है कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चलाना है, जो अभी चल रहा है। स्टालिन परिवार से लेके और लालू परिवार तक, सब एक रूप, सब में एक रूपता है, एक समानता है, सैद्धांतिक सहमति है, सनातन का उन्मूलन करना है, हिंदुओं का विनाश सर्वनाश करना है, तभी हम सत्ता पाएंगे। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि पूरे समाज को शायद पॉलिटिकल इस्लाम के दायरे में ले आना है, और हम फिर उसमें सत्ता का सुख बेहतर तरीके से भोग पाएंगे। 2014 के बाद शायद इन जो जिनकी सत्ता, जिन हिंदू काफिर राजनेताओं की सत्ता मुस्लिम वोट बैंक के गलियों से गुजरता था, ये गणित थोड़ा बिगड़ने लगा, ये व्याकरण में बदलाव आने लगा, उनको यह अनुभव होने लगा शायद हिंदू एक हो रहे हैं, और इसलिए यह फॉर्मूला, यह सूत्र अब टूटता हुआ जा रहा है, दरकता हुआ दिख रहा है। और इसलिए हिंदुओं में बिखराव पैदा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर हमले को उन्होंने तेज किया। ये बहुत पुराने सूत्र हैं, जिसे अंग्रेजों ने बहुत मेहनत से सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया, और उसका व्यवहार में परिणत करके लंबे समय तक इस समाज को गुलाम बनाए रखने में सफल रहा। ये सारे सिद्धांत ईसाई मिशनरियों का और अंग्रेजों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, क्योंकि हिंदुओं के मजबूत ज्ञान संचय की वजह से, उसके मजबूत सामाजिक संरचना की वजह से, उसके बेहद मजबूत सांस्कृतिक सूत्रों की वजह से वो यहाँ सफल नहीं हो पा रहे थे। इस ताना बाना को, इस सोशल फैब्रिक को, इस सामाजिक जो एक बुनावट थी सनातन के सूत्रों में, जो पिरोया हुआ था पूरा समाज और पूरे विश्व पे राज कर रहा था एक समय, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए इस समाज के सांस्कृतिक और आस्था और धार्मिक अवधारणा को खंडित करना आवश्यक था, और इसलिए उन्होंने सनातन के ऊपर पहला प्रहार किया, और ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार करने से लेके जो शुरू किया वो आज तक चंद्रशेखर तक जारी है। इन सब में एक ही चीज है, सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता स्थापना के लिए इस समाज को विखंडित करके एक ऐसे गणितीय अवधारणा पैदा किया जाए, जिससे हम हिंदू विरोधी संख्या के बल के साथ सत्ता में स्थापित हो जाए। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान तब होता है जब समाज में विसंगतियों को जोड़, उसको दूर करने के प्रयास करके समाज को एक करके आगे बढ़ा जाता है, जैसे शंकराचार्य ने किया। वो बहुत बड़ा प्रयास था, इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं, जैसे अन्य लोगों ने किया, जैसे चाणक्य ने किया, जब
समाज में विसंगति पैदा हुई, उसने उसको दूर किया और समाज को एक किया और धर्म की स्थापना करके भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप एक राजसत्ता की स्थापना की। लेकिन संख्यात्मक विभाजन के आधार पर सत्ता हासिल करना भारत के हिंदू काफिर राजनेताओं की जो सीख है ये अंग्रेजों से मिली है, और उसके बाद नेहरू और नेहरू के इर्द गिर्द हो रहे राजनीति ने इसको और परिपक्व किया और मजबूत किया। नेहरू से भी आगे ले जाकर उसी धारा को आगे बढ़ाया, कुछ छोटे भाई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं आरजेडी जैसी पार्टी या मुलायम सिंह जैसी पार्टी या करुणानिधि की पार्टियां, इन सब का उद्देश्य एक है। देखिए इन सब में एक चीज कॉमन है, हिंदू विरोध। और आज जब ये सारी ताकतें एक साथ आ गई तो हिंदू विरोध का स्वर कलेक्टिव हो गया, मजबूत हो गया, बहुत और जोरदार ढंग से सामने आने लगा। पहले ये विरोध केवल अलग अलग राज्यों में होता था, तमिलनाडु में होता था, बिहार में होता था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के थ्रू होता था, तो महाराष्ट्र में किसी और के जरिए होता था। लेकिन आज कांग्रेस के छत्रछाया में, उसके नेतृत्व में जितनी भी ताकतें हैं जिनका सत्ता का रास्ता संख्यात्मक विभाजन से होकर जाता है, जिसमें यह आवश्यक है कि हिंदुओं को बांट दिया जाए और मुसलमानों को एक किया जाए, तभी हम सत्ता के करीब पहुंच पाएंगे। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट है आज भारत के काफिर हिंदू राजनेताओं के द्वारा सनातन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। जिस तरह से संविधान में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया, एक न्याय भेद, एक सामाजिक अछूत के रूप में स्थापित किया गया है और उसका परिणाम सामने है, उसी तरह से भारत का काफिर हिंदू राजनेता भी हिंदुओं को एक अछूत समुदाय के रूप में स्थापित करके सत्ता प्राप्ति की कोशिश लगातार करता रहा है। बहुत बार वो सफल भी रहा है और आज इस समय उसमें थोड़ी उसे असफलता हाथ लगी है, तो वह उसी सिद्धांत को, उसी ताकत को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए कभी करुणानिधि का परिवार कहता है सनातन का संपूर्ण उन्मूलन हो, तो कभी आरजेडी का परिवार कहता है रामायण में विष है, रामायण जहर है। और उसी समय आरजेडी का मुखिया अपने घर में ताजिया को पूजा करके अमृत की वर्षा करता है। समाज को यह तय करना होगा कि अमृत वर्षा कहां से होती है और विष कहां से उत्पन्न होता है, विष का जो उद्भव है वो कहां से होता है। क्या वह विचारधारा जो मानव को दो भागों में बांटता है और साफ साफ शब्दों में कहता है जो मेरे जैसा नहीं है वह काफिर है, और काफिरों के लिए अलग दंड संहिता है, अलग सामाजिक न्याय है, अलग सामाजिक कानून होना चाहिए जब तक वो हमारे जैसा नहीं हो जाता। क्या संपूर्ण मानव जाति को दो हिस्सों में बांट देना अमृत है? चंद्रशेखर यादव के अनुसार क्या उन्हें इस बात का ज्ञान है? क्या वो इस चीज को जानते हैं या ये अज्ञानता का ढोंग करते हैं और कायरता का परिचय देकर केवल संख्यात्मक एक बल पैदा करना चाहते हैं अपने को सत्ता में स्थापित करने के लिए? जो रामायण भारत की आत्मा है, जिस रामायण ने भक्तिकाल में मुगलों के आक्रमण से लोहा लेने के लिए समाज को ताकत दिया, और आज यह रामायण केवल भारत नहीं विश्व के अनेक देशों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और न्याय पे आधारित सिद्धांत है, जहां मर्यादा और धर्म की मूल अवधारणा है, वो उसे चंद्रशेखर यादव विष बता रहा है केवल इसलिए कि उसे फिर से मिनिस्टर बन जाना है, उसे सत्ता में बने रहना है, उसे संख्यात्मक उद्देश्य तक पहुंचना है जिससे वो सत्ता में बने रहे। आज शायद यह मुश्किल होगा क्योंकि कम्युनिकेशन, संचार जो है अब
मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसलिए चाहे करुणानिधि हो, मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, या लालू यादव जी का परिवार हो, या उनका उनकी पार्टी हो, अमृत और विष अब उनके परिभाषा का मोहताज नहीं होगा। भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के हिंदू यह तय करेंगे क्या अमृत है और ये क्या विष है। मानव को दो हिस्सों में बांटना विष है या अमृत है, यह भारतीय समाज तय करेगा और हमें यह तय करना चाहिए। हम यह अधिकार चंद्रशेखर यादव जैसे सत्ता लोलुप नेताओं को नहीं दे सकते कि वो यह हमारे लिए तय करे कि हमारे जीवन में अमृत क्या है और विष क्या है। राम का चरित्र जोड़ने वाला है, वह एक करने वाला है, और जिस विचारधारा का वो पूजा करता है, जिस ताजिया का पूजन करके वो सत्ता में पहुंचता है, वो मानव को दो हिस्सों में बांटता है, यह लिखा हुआ है, यह हर जगह उद्धृत है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर यादव से यह को यह हमें बता देना चाहिए, यह समाज को बता देना चाहिए कि विष और अमृत का चयन समाज का और समाज भारतीय समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है। चंद्रशेखर यादव अपने ओछे अज्ञानता और कायरता को हमारे ऊपर थोप कर विष और अमृत का विभेद हमें नहीं सिखाए। तो आरजेडी के इस विष बमन से ये समाज बचा रहे, आप भी बचें और इस पर चर्चा करें, इसका भरपूर विरोध करें। इस अंक में इतना ही, धन्यवाद।